अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये 19 इंच की एलईडी है। इसमें फॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं तो ये ब्लू शो होकर और उसके बाद ये फ़ौरन ऑफ हो जाती है। अगर इसके ऊपर कोई यूएसबी या डिश वगैरह चलाएं तो वो चलती रहती है, आवाज़ आती रहती है और जो बैक लाइट है वो ख़त्म कर देती है। तो आज हमने इसका यह फॉल्ट निकालना है, क्या इसको किस चीज़ का फॉल्ट है। तो अब मैं आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये ब्लू हुई है और उसके बाद इसने कोई ऑप्शन शो नहीं कराया। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमी टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसको आई मैंने नए तरीके से इसका जो कि बैक लाइट का फॉल्ट है वो हल करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो एलईडी को मैंने ओपन कर दिया जी, और अभी इसमें फॉल्ट ये जो इसमें फॉल्ट नज़र आया हमें, इसका जो लैंप कार्ड है वो बिल्कुल ठीक है। और अब इसका ये जो ब्लू वाला हमारी साइड है, इसके राड वो ख़राब हो चुका है। ठीक है जी, तो अब हमने इसने इसका क्या करना है। अब हमने इसमें एक ये जो इस्त्री वाली एलईडी वो हमने लगानी है, ये वाली, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैंने इसमें ये लगानी है, वो लगानी है हमने किस तरह है? अब मैं वो भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो इसका ये जो ब्लू राड है, ये वाला राड, ये इसका हो सकता है टूट चुका हो, सकता है वैसे स्पार्क हो चुका हो। तो इसके ऊपर हमने ये लगा देनी है, उससे ये होगा कि ये जो हमारा अगर ये स्पार्क है या फिर हीट हो चुका है तो उसकी वजह से ये हमारा साइड बंद नहीं होगी। अगर हम इसको वैसे तार की मदद से शार्ट कर देंगे तो ये फिर भी हरकत करेगा। ठीक है जी, तो ये जो एलईडी इसके लगाने से अगर ये हमारा हीट है, स्पार्क है या फिर कोई और मसला है, इसलिए ये काम करता रहेगा और ये हमारी साइड बंद भी नहीं होगी और इसकी लाइट भी डाउन नहीं होगी। तो एलईडी को हमने इसलिए इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, अगर आपके पास इसका राड नहीं है तो, अगर राड आप पाना चाहते हैं तो पा सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं इस एलईडी को यहाँ पर ये लगा देता हूँ। ठीक है जी, और लगा कर आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपने इस चीज़ का इल्म कर लेना है कि आपका राड कौन सा वाला ख़राब है, और किसी एलईडी का राड आपने लगा कर देख लेना है। ठीक है जी, तो ये हमारा ब्लू वाला ख़राब था तो ये एलईडी मैंने लगा दी है। ठीक है जी, तो अब हम इसको पावर देते हैं और फिर आपको चला कर ये दिखा देते हैं। ये जो एलईडी, इसको ऊपर मैंने इसलिए लगाया है, अगर हम इसको काट के नीचे लगाएँगे तो ये हीट होती और हर वक्त ऑन रहती है, हो सकता है इसका जो प्लास्टिक है बॉडी का वो गर्म कर दे, हीट हो सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने इसको अंदर लगा दिया है। तो ये आप देख सकते इसकी, इसके ऊपर पैनल मैंने लगा दिया जी, और अब हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं। और अब इसकी आप देख सकते लाइट भी काफ़ी अच्छी है और अब ये ऑफ भी नहीं हो रहा। तो एलईडी हमारी मुकम्मल ऑन हो चुकी है, तो अब हम इसकी मुकम्मल फिटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एलईडी हमारी मुकम्मल ऑन हो चुकी है और इसकी मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।